दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफोन में। जी हां, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हुआवे का एक बड़े ही कमाल का स्मार्टफोन, जो कि एक मिड रेंज फ़ोन होने वाला है। इस फ़ोन का नाम है Y5। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर देखने को मिल पाते हैं, क्या प्राइस जो है इस फ़ोन की अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लॉन्च डेट भी जो इस फ़ोन की अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। इस फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो भैया, इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा पीछे जो है लेदर जो फिनिश है वो हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलेगी ड्यू ड्रॉप नॉच, इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और इस फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशन की बात करें, इस फ़ोन के अंदर जो है हमें हीलियो मीडिया टेक का प्रोसेसर इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। 3020 mAh की बैटरी इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस फ़ोन की यदि रैम की बात करें तो ये 2 GB रैम के अंदर ये फ़ोन होगा। और स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 16 GB स्टोरेज और 32 GB स्टोरेज हमें दो वेरियंट इसके अंदर देखने को मिल पाएंगे। एंड्रॉयड पाई के ऊपर जो है ये फ़ोन रन करने वाला है। ड्यूअल नैनो सिम इस फ़ोन के अंदर हमें मिल पाएगी। और यदि बात करें हम इस फ़ोन के बारे में थोड़ा सा और कैमरा के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर हमें रियर में देखने को मिल पाएगा 13 MP का ऑटो फोकस रियर कैमरा और 5 MP का हमें जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल पाएगा। तो भैया, इस फ़ोन की प्राइस क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस फ़ोन की प्राइस होनी चाहिए 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास, या फिर इससे ज़्यादा प्राइस यदि हुआ भी रखता है तो मेरे को नहीं लगता इस फ़ोन को इंडिया के अंदर लॉन्च करने से कोई फ़ायदा। आपका क्या विचार है इस फ़ोन के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन से जुड़े ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं आपको अवेयर करने के लिए। तो यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।